दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग खेत में कर रहे हैं काम, और साथ साथ में अभी हम लोग भूंजेंगे हो रहा कैसे कैसे करते हैं देखते हैं। और अभी सबसे पहले लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेंगे, और देखिए उधर यहाँ पास है लकड़ियाँ कुछ कुछ, तो उसे हम बीनेंगे और इकट्ठा करेंगे। और देख रहे हैं इधर दिख रहा है वो बैल, ये सब चरते हैं हमारे फसल को पूरा दिन, तो देखना पड़ता है, इसलिए हम पूरा दिन ही खेती में रहते हैं। तो साथ साथ में लकड़ी बीनते हैं, और चलिए बुनते हैं कैसे कैसे होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देख रहे हैं, ये देखिए, देखा मुझे तो भाग गया। तो लकड़ियां हैं यहाँ पर कुछ कुछ पड़ी हैं, ये देखिए। तो इसे जो है हम बीनेंगे, और फिर माचिस मैंने घर से लेके आ गई हूँ, और फिर इकट्ठा करेंगे। ये देखिए कांटा है, हमारे गांव में ना बबूल की ही लकड़ियां बहुत ज़्यादा मिलती है, देखिए कांटा है इसमें। तो ये जलने जला देंगे हम इसे। तो कुछ कुछ लकड़ियां बीन लेते हैं, देखिए उफ। फिर एक जगह में सबको इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद भुनेंगे। तो यहाँ पास लकड़ियाँ हमने इकट्ठा कर रखी है, देखिए बहुत सारी है। फिर इसी में भूनेंगे हम हो रहा। और यहीं पास है हमारा कुआं, ये देखिए कुआं में है बहुत पानी, ऊपर तक है, देखिए ये है, इसी को हम भूनेंगे, बहुत अच्छी लगती है। तो ये ऐसा रहता है। और मैं खोज रही हूँ ये वाली बटरा, ये बहुत अच्छी लगती है भूनने के बाद। तो एक एक है कहीं कहीं पास। दोस्तों, ये बटरा है जिसे मैंने हाथ में रखा हुआ है। एक एक करके मैं इसे बीन ले रही हूँ, मतलब उखाड़ ले रही हूँ। ये बहुत ही कम है, क्योंकि इस साल हमारे गांव में बारिश नहीं हुई थी, और खेतों में जो है बहुत कम ये वाली फसल आई है। तो देखिए ये बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है इसके फल भुनने के बाद। मटर से इसके दाने छोटे होते हैं, बहुत छोटे, लेकिन ये टेस्ट में वैसे उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बहुत कम हुई है हमारे खेतों में, और बहुत सारे खेतों में हमने बोया था पर हुए नहीं। और जलाने के लिए लगेगा ये वाला चारा, देखिए ये सूख चुकी है, इसे हम जो है उखाड़ेंगे बहुत सारा, फिर इसी में जो है जलाएंगे। ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा सूखा हुआ है तो ये जल्दी जलेगा। पीछे में हमारा कुआं है, ये मैंने दिखाया था ना थोड़ा थोड़ी देर पहले, वही वाला कुआं, उसी के पीछे है ये वाला चारा, तो इसको हम जलाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारे फसल को चौपट करने के लिए सारे वेट कर रहे हैं। अब भूख इन्हें भी लगती है, पर क्या करें, हमें भी तो फसल को बचाना पड़ता है। ये इतने सारे चारा हैं, इनको नहीं खाएंगे, बस ताक में बैठे हैं, मतलब खड़े हैं, और क्या करें, इन्हें भी भूख लगती है ना। यहाँ पास मैं ये जो छोटे छोटे लकड़ियाँ हैं, चारा है, वो सबको मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। अब इसी में हमें भूनना है होला, तिवरा का और बटरे का। तो ये देखिए हमने आग जला दिया है, मेरा बेटा भी मेरा हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पास वो जो है इसे डाल देता है, उसके बाद इसे भूनने की अब तैयारी कर रहे हैं। ये भूनने के बाद इसका टेस्ट पूछो ही मत, बहुत ही अच्छा लगता है। चना चना तो हुआ नहीं इस साल, तो वरना चना हुआ होता है ना तो मैं उसका भी भून कर दिखाती। चने को पानी की आवश्यकता होती है और लेट में होती है, और इस साल तो पानी बारिश हुई ही नहीं, तो हमें जो है फसल की बहुत ही, मतलब फसल बहुत ही कम हुए हैं, बस दो चार जगह के हुए हैं। तो उसी को हम दिखा रहे हैं आपको, कोई भी फसल, चना मसूर कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये तिवरा जितनी होता है ये थोड़े से पानी में ही हो जाता है, तो ये हो गया है। तो ये देखिए हम इसे जो है भून ले रहे हैं।
अगर ज़्यादा बारिश हो तो भी प्रॉब्लम, और इस टाइम तो यहाँ अक्सर करके मतलब ओले की बरसात भी हो जाती है जब चना पकता है उस टाइम, तो हम जैसे किसान लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर फसल अच्छे हुए जैसे पिछले साल हुए थे ना, तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो उसमें भी जो है दिक्कत हो गई थी, फसल सड़ जाते हैं। अगर नहीं हुई तो कुछ दाने मिलते ही नहीं, और अगर बर्फ़ गिर गया तो सारे इनके फल जो है झड़ जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पास देखिए, ये मैं भी भून रही हूँ, तो यहाँ पर जो भून चुके हैं वो हो गए हैं किनारे, और जो जो अभी नहीं भुने होने हम भून रहे हैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर कर के। तो ये है हमारा खेत, और यहीं पास जो है हम भून रहे हैं इसे, तो थोड़ा सा टाइम लगता है आग जलना। ये देखिए, इधर जो है भून चुका है हमारा तिवरे का होरा, और ये जो है खाने में गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। अभी इसमें आग भी है हल्का हल्का सा, तो यहाँ पास इसके जितने भी दाने हैं ना, हम उन सबको बीन करके अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम खाएंगे। तो पता है दोस्तों, एक प्रॉब्लम है, अगर मैं अपने वीडियो में ना टाइम वगैरह बताती हूँ तो कुछ लोगों को उससे भी दिक्कत होती है। मेरा ना बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, सोच रहे हैं कि ये टाइम बताती है, सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम। तो मैंने ना कई सारे ब्लॉग देखे हैं, उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। पता नहीं क्यों लोगों को मुझसे दिक्कत है, मैं नहीं समझ पाती क्यों मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं तो किसी का ना बुरा करती हूँ ना सोचती हूँ, फिर भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। देखिए ये दाने जो है, ये दाने पक चुके हैं और हम ये खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं, और दोपहर के 3 बज रहे हैं, उसके बाद जो है हम इन्हें खाएँगे। और ये भून चुके हैं, ये बटुरा, ये जो मुझे बहुत पसंद है, ये इसके दाने देखिए पक गए हैं और इन्हें हम खाएंगे, और साथ साथ हम बनाएंगे चना भाजी, तो उसके लिए हम तैयार कर रखे हैं। ये देखिए, यहाँ पास मैंने रखा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्चा, और ये अदरक का पेस्ट है, मैंने इसे पेस्ट बना लिया है। और ये बरी, हम लोग बरी ही बोलते हैं, बरी है कि कोई अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने जो बनाया था मैंने शेयर किया हुआ है। और ये देखिए मेथी, और यहाँ पास मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा हींग और जीरा, अंधेला है तो दिख नहीं रहा है, जीरा है बस थोड़ा सा, और साथ में ये है चना भाजी। ये मेरे घर का चना भाजी नहीं है, मेरा बेटा गया था नानी घर तो मेरी अम्मा ने इसे रख दिया था, तो इसे मैं कल नहीं बना पाई थी तो आज सुबह बना रही हूँ। और इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है टमाटर, टमाटर के बगैर तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो खूब सारे टमाटर मैंने लिए हैं। ये देखिए थाली में मैंने रखा हुआ है, तो हम भाजी को जो है ना बहुत ही बारीक काटेंगे, इसमें तो टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पास जो है इस तरह से मैं छोटे छोटे बारीक बारीक में काट दे रही हूँ, इस तरह बहुत ही बारीक काटना है, इतना बारीक कि एकदम हाथ में लड्डू जैसा बन जाना है, बहुत टाइम लगता है छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए। तो हसिया मेरा उसका धार जो है कम हो गया था, तो मैं इस तरह से इसे फिर से धार वाला बना लेती हूँ। तो ये देखिए अब ना ये बहुत ही ज़्यादा धार वाला हो गया है, तो मैं इसे एकदम बारीक से काटूँगी, बहुत बारीक से। फिर हम घर में ऐसे ही बनाते हैं चना भाजी को, तो इस साल तो एक दो बार ही बना है क्योंकि घर में हुआ नहीं ना, घर में होता है तो कई बार बना लेते हैं। तो देखिए हमने इतना महीन काटा है ना कि ये देखिए तो लट्टू जैसा बन गया, तो इसी को हम बनाएंगे। और सबसे पहले जो बरी हमने दिखाया था उसे हम गर्म तेल में जो है इस तरह से तल लेंगे, क्योंकि इसे बरी में ही हम लोग बनाते हैं, इसलिए मैं बार बार ये दिखाती हूँ। बहुत सारा हम लोग बना लेते हैं और यही हम खाते हैं, तो साथ साथ में मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा हींग मेथी, और फिर मुझे डालना है इसमें जीरा और लहसुन और मिर्ची में डाल देती हूँ। बोलने में मुझे मतलब कई बार जो मिस्टेक कर देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। मैं यहाँ पास मैंने लहसुन मिर्चा को भून लेती हूँ इस तरह से,
और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, और फिर इसके बाद हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और मिलाएंगे हम जो टमाटर थे ना बहुत सारे, उसी को हमने काट लिए हैं। और ये ठंडी के टाइम का टमाटर जो है खट्टा होता है और जल्दी ही गल जाता है, तो इसमें हम अदरक का पेस्ट भी डाल देते हैं। उसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे नमक, जो सबसे ज़रूरी है। तो नमक को डाल करके अपने हिसाब से, और इसे हम भूनते हैं तब तक जब तक ये भून नहीं जाता है ना। जब ये नमक डालने के बाद तो आपको पता ही है कि इसमें से पानी आ जाता है, देखिए एकदम से पिघल गया ये, और फिर ये पिघल गया। इसके बाद ना हम इसमें डालेंगे चना, ये बरी को डाल देते हैं। उसके बाद इसे पकने के लिए थोड़ी देर तक छोड़ देंगे, क्योंकि इस ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद जो हमने चना भाजी एकदम से बारीक बारीक से काटा हुआ था उसे हम इसमें डाल देते हैं। सूखी मुझे नहीं बनानी है क्योंकि रसे वाली बनानी है, तो मैं इसको भून करके उसमें थोड़ी देर तक भूनना है मुझे 10 मिनट तक। उसके बाद फिर मुझे इसमें डालने होंगे पानी, तो यहाँ पास देखिए ये भून चुका है थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद ही मुझे पानी इसमें डाल देना होगा। मैं अपने हिसाब से पानी डाल रही हूँ जितना मुझे ज़रूरत है, जितने मेरी फैमिली को ज़रूरत है उतने हिसाब से, तो 2-3 गिलास मुझे डालने ही होंगे, ताकि पकने में भी इसे थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो ये देखिए मैंने पानी जो है इसमें डाल दिया है, और डालूँगी पानी। उसके बाद जो है इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए ढक्कन हमने ढक दिया है, और ये हो गया पक कर के रेडी।